जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ गौरी बहन। राधे कृष्ण राश्री बहन, मैं अभी आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ कहिए। राश्री बहन, आपसे यही कहना था कि उस दिन सिंघानिया साहब की सबसे छोटी बेटी रश्मि हमें बहुत ही प्यारी लगी। अच्छा। मैंने सूरज के बाऊजी से बात भी की, वो बहुत ही खुश हुए। अच्छा। ये बड़ा अच्छा खानदान है और बड़े सज्जन लोग हैं। सूरज के बाऊजी विशंभर जी से बात करने वाले हैं। बस आपसे यही कहना था कि अगर आपको और उन्हें ठीक लगे तो मैं अपने बेटे सूरज के साथ रश्मि के रिश्ते की बात कर सकती हूँ। गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा तो मैं गायत्री बहन से जल्दी ही बात करके आपको फोन करूंगी। जी ठीक रहेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गौरी बहन, धन्यवाद किस बात का, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा राश्री बहन। जी ठीक है। गौरी बहन रश्मि के रिश्ते की बात कर रही थी। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो गायत्री आंटी बहुत खुश हो जाएंगी। सच, ये रिश्ता बिल्कुल सही समय पर आया है। घर में शुभ समाचार पहुंचेगा तो माहौल अपने आप ही बदलने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अक्षरा भी खुश हो जाएगी। हर गोपाल अपनी कृपा बनाए रखे बस। जी कहीं जा रही है? छोटी दुल्हन, हम अभी आवे हैं, जरनंदनी के ससुराल से हो आवे। हाँ, उन्हें लगता होगा बेटी इतना बड़ा कदम लेकर मायके आ गई और हमने उनसे बात तक नहीं की। अब जाकर देखते हैं क्या होता है। दादाजी, खाना लग गया है। तुम लोग खा लो। राज बन्ना देर क्यों कर रही हो है? जी बस आ रहे हैं वो। आप चिंता मत करिए, आप जा रहे हैं ना बात करने, इसका परिणाम अच्छा ही होगा। मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण। गायत्री बहन। राजश्री बहन। जी राधे कृष्ण। गायत्री बहन, पता चला कि बाईसा गांव वापस लौट गई है, कहीं वो उस दिन। नहीं नहीं राजश्री बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए सब कुशल मंगल। जी जी, बाल गोपाल की कृपा है। अच्छा गायत्री बहन, एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ कहिए। वो गौरी बहन का फोन आया था, आप सबकी बहुत तारीफ कर रही थी और उन्हें हमारी रश्मि बिटिया भी बहुत पसंद आई है, मिलने के लिए कह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ फिर बताती हूँ। जी मिलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इस समय रिश्ते की बात। जी शायद ये समय। क्या बात है छोटी दुल्हन? एक मिनट राजश्री बहन, रश्मि के लिए एक रिश्ता सुझा रही है, जिंदल परिवार का बेटा है जो स्टील का कारोबार करते हैं। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा था ना। राजश्री बहन कह रही थी वो लोग मिलना चाहते हैं, मैं कह देती हूँ अभी नहीं। ना, मना काहे करना है? छोरी का ब्याह जितनी जल्दी होवे उतना अच्छा है। दीदी बोल रही थी पर मैं समझ ना पायो, पर अब मने लागे है कि अब मने बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। वालों से बोल
जब मिलना चाहे हैं मिल लेंगे। जी राजश्री बहन। जी आप उनसे कह दीजिए हम मिलने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है गायत्री बहन, मैं कह दूंगी और फिर मिलने का समय और दिन बाद में तय कर लेंगे। जी धन्यवाद राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण। चलिए दादा जी आइए। राधे कृष्ण धन्य भाग हमारे कि आप हमारे द्वार पधारे। भाई मारी छोरी का घर है, मैंने तो पहले ही आ जाना चाहिए था, क्षमा चाहूं हूं आ ना सके। जी आइए पधारिए। बैठिए। मैं शरबत लेकर आती हूँ। जी नहीं रुक्मिणी बहन रहने दीजिए, हम आपसे बात करने आए हैं। आप भी राजी हैं? ऐसा है हमारे बच्चों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे हम आपके साथ बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं। हाँ बताइए। आपको तो खबर होगी। खबर मुझे तो सब है लेकिन आप लोगों ने खबर नहीं ली। अब हमारी तो हैसियत नहीं आप लोगों के सामने बोलने की, लेकिन आप लोग तो बात करने आ सकते थे। आखिर आपकी बेटी घर छोड़ कर गई है, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ क्यों हुआ। पर अब इतने दिनों बाद बात करने बुलाया तो मोहित को अलग से, ये क्या बात हो गई। आखिर आप लोग चाहते क्या है, यही कि मुझसे मेरा बेटा छीन ले। नहीं नहीं रुक्मिणी बहन क्षमा चाहती हूँ, बच्चों ने सब आपस में तय कर लिया, हमें बताया तक नहीं, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। नंदिनी तो वहां रहकर मेरे बेटे से बात तक नहीं करना चाहती। अरे बाबूजी राधे कृष्ण। अरे ठीक है बेटा। दादाजी भाभी माँ खुश रहे बेटा। अब माँ शरबत पिलाइए ने। हाँ मैंने तो पूछा था अभी लाई। आप बैठिए। जी क्षमा करें दादाजी पर माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, दरअसल वो खुद कई दिनों से मुझे और नंदिनी को लेकर परेशान है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो बेटा हमसे मिलने आ जाते। हाँ काका जी बस यही नहीं सोच पाया। वो तो अच्छा हुआ कि नैतिक और अक्षरा ने आज हमें मिलाया, हमारी बात करा दी। लीजिए दरअसल नंदिनी को हमारे बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, जो ठीक भी है मैं इंतजार करूंगा। जो हो रहे हो है मने तो अच्छा ना लगे है। दादाजी आप चिंता ना करें सब ठीक होगा। रुक्मिणी बहन अगर हमसे कुछ भूल हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। भाभी माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आज्ञा दे। दादाजी नाश्ता तो करके जाइए। ना आज रहने दे, क्षमा करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे डर है कि उन्हें कुछ सुनना ना पड़ जाए। लड़की वाले हैं और रुक्मिणी बहन तो खुलकर बोलती है। दत्ता जी को भी सुनाने से हिचकिचाएंगी नहीं। नहीं माँ, वो दत्ता जी से कुछ नहीं कहेंगी, उनकी बहुत इज्जत करती है। और मोहित है वहाँ पर, वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा माँ। बस कोई तमाशा ना हो जाए, दत्ता जी की तबीयत भी तो ठीक नहीं। आ गए। जी, बात हुई। नंदनी और जमाई साहब की बात करवाई है मुन्ना ने, और दोनों ने तय कर लियो है दोनों अपना समय ले लेंगे। और नंदनी ने जमाई साहब से कह दियो है वो सोचना चाहवे है, और जमाई साहब ने भी हां कर दी है। पर ये सही नहीं लगता। ठीक है ना भाभी माँ, दीदी को थोड़ा टाइम लेने दीजिए, थोड़ा ठहर कर सोचेंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और कितना समय चाहिए उसे? कोई बात नहीं है भाभी माँ, दीदी यहाँ अपने घर में ही तो है। कि बच्चों ने मिल मिला के तय कर लियो है कि वो क्या करना चाहे हैं, अब क्या करें? अरे मने पता होता मैं अपने हिसाब से बात करूं। इब दोनों समय ले रहे हैं, देखें ये होवेगा। आशा करो समय के साथ घाव भर जावे और धीरे धीरे दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लग सकता, और फिर पता चलेगा कि जो भी उन्होंने किया सही नहीं किया। अब आप लोग भी चिंता करना छोड़ दीजिए, अच्छा हुआ आप लोग उनसे मिले, कम से कम स्थिति तो साफ हो गई, बाकी हल भी निकल ही आएगा। अरे बातों बातों में पानी। दत्ता जी नंदिनी को बता दीजिए, उसे तो पता ही नहीं, वो भी परेशान होगी। हम उन्हें बता देंगे माँ। मैं भी अपने कमरे में जाऊं हूँ। जल्दी आ गए बेटा। हाँ माँ, वो जिंदल साहब से बात हुई थी हमारी, वो समधी जी से मिलना चाह रहे हैं। इतनी जल्दी? ये तो बड़ा अच्छा संकेत है, इसका मतलब उन्हें रिश्ता भाग गया है। जी माँ, हम दादा जी से बात कर लेते हैं, अगर हुआ तो आज शाम को ही हम जिंदल साहब और उनकी पत्नी को लेकर अक्षरा के ससुराल चले जाएंगे। आप किस चिंता में है? आपको तो खुश होना चाहिए, आपने एक रिश्ता भेजा और अगर भगवान की कृपा रही तो वो रिश्ता भी हो जाएगा। बस हो जाए तभी अक्षरा के ससुराल वालों की नाराजगी हमसे दूर होगी। नाराजगी? कैसी नाराजगी जी? वो मैंने आपको बताया था ना, उस दिन जब मैं और माँ अक्षरा के ससुराल गए थे तो माँ और भाई साहब में बहस हो गई थी, और फिर भाई साहब उसी दिन गांव वापस लौट गए। मुझे डर है कि कहीं माँ की बातों से नाराज होकर तो नहीं। ये सब आपको हमें पहले बताना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें दद्दा जी से माफी मांगनी चाहिए, हमारी वजह से उन्हें परेशानी हुई है, ठेस पहुंची है, और हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। जी मैंने उस दिन हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगी थी। फिर भी बात आगे बढ़ गई ना,
हमें दादाजी से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, तुमसे बात कर ही लो, मन को तसल्ली हो जाएगी। जी माँ। विशंबरनाथ, हेलो। राधे कृष्ण दादा जी। राधे कृष्ण विशंबरनाथ। दादा जी, वो दरअसल हमने क्षमा मांगने के लिए फोन किया था। सुना है भाई साहब चली गई। हाँ, हमारी तरफ से बहुत बड़ी भूल हुई है दादा जी, हम क्षमा चाहते हैं। शौर्य की नानी अपने स्वभाव की वजह से अगर कुछ ऐसा बोल गई हो जिसके कारण आपको या बाईसा को बुरा लगा हो या ठेस पहुंची हो, तो हमें इस बात का बहुत अफसोस है। ना ना विशंबरनाथ, तुम लोगों का कोई दोष ना है। अरे वो तो हमसे भी नाराज थी, हम भी जिम्मेदार हैं। वह कमर दुखियो और वो चली गई। अरे किसी पे दोष डालने से अपनी भूल तो ना छिपती ना विशंबरनाथ। हम लोगों का एक ही परिवार है विशंबरनाथ। हम सब ने वाह के जाने का बड़ा दुख है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जावे हैं किसी का बस न चलता। बहू की नानी वहां से मिलने आई थी, उस वक्त मारी दीदी गुस्से में थी, के करें। आप स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, ये सुनकर हमारे मन को थोड़ी शांति मिली। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हालात पर किसका बस चलता है। और सब कुशल मंगल है जी दादाजी, बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक है। दादाजी, आपसे एक बात और पूछना चाहते थे। हाँ हाँ बोल विशंबरनाथ। दादाजी, वो रश्मि बिटिया के रिश्ते के लिए शौर्य की मां ने जिंदल साहब की पत्नी से बात की थी। आज जिंदल साहब का स्वयं फोन आया, आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने छोटे दुल्हन से बोलियो है, अगर वो लोग मिलना चाहे हैं तो हम भी मिल लेंगे। ठीक है दादाजी, तो हम आज शाम को उन्हें आपके घर ले आए। हाँ हाँ क्यों ना, अरे इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा और वो लोग अभी हम सबसे मिल लेंगे। मैं अभी जाके राजबन्ना से बताऊं। ठीक है दादाजी, शाम को मिलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दीदी सब ठीक हो जाएगा, अभी अभी दादाजी और भाभी मां मोहित से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपके ठहर कर सोचने पर कोई एतराज नहीं है, वो आपको समझते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अक्षरा, मुझे ऐसे बच्चों की तरह दिलासा मत दो। क्यों फिक्र ना करूं मैं, कैसे ठीक हो जाएगा सब। दीदी हमारा मतलब यह है कि देखो, तुम लोग कुछ नहीं समझते कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच में मत पड़ना, फिर भी तुम लोग मुझे बिना बताए मोहित से मिलाने लेके, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं मिलना चाहती हूँ या नहीं। दीदी वो हमने सोचा, गलत सोचा अक्षरा। अब तुम लोग से मैं क्या कहूँ, ना तुम लोग आज मुझे मंदिर ले जाते और ना ही बात इतनी बढ़ती कि माँ बाबू जी को मेरे ससुराल जाना पड़ता। लेकिन दीदी एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि उनकी भी बात हुई। क्या बात हुई होगी मैं जानती हूँ, मेरी सासू माँ ने उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई होंगी। बाबू जी तो यही दिखाएंगे ना कि सब ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन कितने दुखी होके लौटे होंगे वो। क्या मिला तुम लोगों को बात इतनी बढ़ाकर। लेकिन दीदी सॉरी दीदी, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।